14 अप्रैल 2024 राजकोट गुजरात के जो दृश्य निकल कर आ रहे हैं, राजपूत महासम्मेलन में जो भीड़ दिखाई दे रही है, वो भीड़ भाजपा को परेशान कर सकती है, वो भीड़ भाजपा की परेशानी का कारण बन सकती है। क्योंकि पुरुषोत्तम रूपाला प्रकरण में लगातार नाराजगी तो देखी जा रही थी, मगर या तो फिर कहीं कोई बयान आ रहा था, या फिर कहीं कोई भाषण आ रहा था, या फिर कोई छोटा मोटा विरोध प्रदर्शन हो रहा था। परंतु पहली बार एक बड़ी संख्या धरातल पर खड़ी दिखाई दे रही है, उसके बाद राजनीतिक दलों के चेहरों पर शिकन आना तय है, और वो भी एक ऐसा मंच जिस मंच से सिर्फ गुजरात का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, जिस मंच पे सिर्फ गुजरात के प्रतिनिधित्व की बात नहीं हो रही है, गुजरात की राजनीति की बात नहीं हो रही है, जिस मंच पर जीवन सिंह शेरपुर दिखाई देते हैं जो मध्य प्रदेश में अपना अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं, जिसमें महिपाल सिंह खड़े नजर आते हैं जो राजस्थान में अपना अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं, तो कुल मिलाकर जिस प्रकार के भीड़ के दृश्य आ रहे हैं, लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इन दिनों में इतनी संख्या वाला कोई कार्यक्रम बहुत लंबे समय बाद देखा गया है। ये जो भीड़ है, ये अगर यहाँ से वोटों में तब्दील होती है तो लोग कह रहे हैं कि न केवल गुजरात की अच्छी खासी सीटों पर असर दिखाई देगा, बल्कि ये प्रभाव मध्य प्रदेश और राजस्थान तक महसूस किया जाएगा। हालांकि जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ कि राजस्थान में इस आंदोलन की आँच अब पहुँचने लगी है, अलग अलग जगह से राजपूत समाज के कार्यक्रम के माध्यम से ऐसी कसम लेते दिखाई दे रहे हैं जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि पुरुषोत्तम रूपाला ने जो एक विवादित टिप्पणी की है, उसके बाद अगर भाजपा अब राजपूतों के मान सम्मान की बात नहीं करती है, उसकी चिंता नहीं करती है, तो उसके परिणाम भुगतने होंगे। इस महासम्मेलन के बारे में और कुछ बताऊं, उससे पहले आप सुनिए कि महिपाल सिंह मकराना ने भी आखिर किस शपथ की वहां से बात की, क्या कसम उन्होंने उस आंदोलन में लोगों तक पहुंचाई। जब तक पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं कटा, हम किसी भी भाजपा के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, उनके कोई प्रोग्राम में सहयोग नहीं करेंगे, किसी भी प्रत्याशी के साथ नहीं घूमेंगे। अगर फिर भी टिकट नहीं कटा तो आने वाले चुनाव में भाजपा का बहिष्कार करेंगे, मंजूर है नहीं है, मंजूर है नहीं है। मन से बोला है कि भगवती की कसम, ऐसा नहीं हो तो महिपाल सिंह ने जबरदस्ती आरोप लगा दिया, ऐसा तो नहीं है, पक्के नहीं है। तो ये थे महिपाल सिंह मकराना। लगातार इस प्रकार के अलग अलग उद्बोधन, अलग अलग संबोधन इस मंच से हुए हैं बड़ी संख्या में। जिस प्रकार से वहाँ के विजुअल्स आ रहे हैं, जिस प्रकार की वहाँ से चीज़ें निकल कर आ रही है, कहा जा रहा है कि हर एक को जिम्मेदारी सौंपी गई है, हर एक को ये दायित्व दिया गया है कि जाए और अपने अपने क्षेत्र में जाकर इस विषय पर एक बड़ी जनसंख्या को, बड़े राजपूत समाज के लोगों को जागरूक किया जाए, उन्हें बताया जाए कि ये जो पूरा पूरा विषय निकल कर आ रहा है, इस विषय पर अब चीज़ें वोटों की पेटियों तक जाते हुए दिखाई देनी चाहिए, उस मतदान में भी इस पूरे सम्मेलन के परिणाम नज़र आने चाहिए। तो जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो पूरा का पूरा एक विरोध प्रदर्शन जिसका लगातार जिस प्रकार से धरातल पर अब असर बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से धरातल पर ये चीज़ें नज़र आ रही है, वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। क्योंकि आपको पता होगा कि 22 मार्च को जो टिप्पणी पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा की गई थी, उस टिप्पणी के बाद से ही लगातार राजकोट से उनके टिकट वापसी की मांग हो रही थी, मगर अब लग रहा है कि ये बातें उस मांग से भी आगे बढ़ गई है। अब ये बातें ये बताती है कि ये विरोध बड़ा ही मुखर हो रहा है, और ये विरोध मुखर होकर सीधे सीधे प्रत्येक कार्यक्रम में आगे आने वाले चुनावों में मतदान से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कितना असर रहता है इस पर हमारी आगे भी पूरी की पूरी नज़र रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।